हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा केस स्टडी पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। अभी हमने बेटा लगभग 12 के आसपास केस स्टडी कंप्लीट की है। बाबू आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी है बेटा, जयदीप रिसेंटली ज्वाइंड एज द MD ऑफ तिवोरी लिमिटेड। बेटा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछली केस स्टडी हमने कर ली थी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव और बी पार्ट स्टेट द कैटेगरी ऑफ दिस कम्युनिकेशन बैरियर और सी पार्ट एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ सेम कैटेगरी। बेटा देखो, जब भी आपसे पूछे ना कि कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा है, तो आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन बैरियर बताना होता है। बी पार्ट में पूछ रहा है उसकी कैटेगरी, तब हमें बताना होता है साइकोलॉजिकल है, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या कैसा बैरियर है। और सी पार्ट में बेटा उसी कम्युनिकेशन बैरियर का एक और टाइप। चलो जी, बेटा कहता है जयदीप रिसेंटली ज्वाइंड एज द MD ऑफ द तिवोरी लिमिटेड एन अपैरल डिजाइनिंग कंपनी। ही ऑब्जर्व दैट द कंपनी हैड अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड FSN डिजाइनर ऑन इट्स पे रोल। दे रेगुलरली ऑफर्ड यूजफुल सजेशन विच वर नीदर अप्रिशिएटेड नॉर रिवॉर्डेड बाय द कंपनी। Instead, the company outsourced its services to some renowned fashion designer and paid them a good compensation for their services. Because of this, the employee felt disheartened and stopped giving useful suggestion. बेटा lack of proper incentive। बेटा जो इंसान suggestion दे रहा है, आप उसको कभी reward नहीं दोगे, आगे से उठ के कभी suggestion ही नहीं आएगा, यही होगा ना बेटा, lack of proper incentive। और ये बेटा personal barrier का एक type है, और पर्सनल बैरियर का ही कोई और दूसरा बेटा एक बैरियर लिख देना रिक्वायरमेंट सी में। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 16 बेटा मेरी बुक में है, नीरज आ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी बाबू, रिक्वायरमेंट तीनों वही सेम है जो पिछले क्वेश्चन की थी। कम्युनिकेशन बैरियर स्पेसिफिक, उसकी बेटा कैटेगरी बतानी है और उसी कैटेगरी का एक और कम्युनिकेशन बैरियर हमें बताना है। चलो जी, कहता है नीरज आ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमिडा लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में 7 जॉब बदल दी। वैसे बता देता हूँ बेटा, अगर ऐसे रिज्यूमे में लग जाए ना, एक साल में 2-3 बदल दी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से पिक नहीं करती। ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन बट इज नॉट एबल टू फाइनलाइज डील विद द कस्टमर ड्यू टू इनएडिक्वेट वोकैबुलरी एंड ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड। बेटा मेरे को वैसे यहीं से समझ आ गया, लेकिन एक लाइन और पढ़ लो। समटाइम्स ही यूजेस रॉन्ग वर्ड बिकॉज ऑफ विच द इंटेंडेड मैसेज इज नॉट कन्वेड। ऑल दिस क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट। बेटा बैडली एक्सप्रेस मैसेज है ये। बैडली एक्सप्रेस मैसेज में तीन ही वर्ड है बेटा, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड एंड इन एडिक्वेट वोकैबुलरी, और तीनों वर्ड यहाँ पर आ रखे। और बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर, और सिमेंटिक का एक और लिख लेना। सबसे आसान मुझे लगता है सीमेंटिक ही हैं, सबसे अच्छे भी वही हैं बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रमोद वाजा सुपरवाइजर एज अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे, 4 लाइन का कैसे पढ़ते चलो। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल ऑफ आटा एवरी डे। हिज जॉब वाज टू मेक श्योर दैट द वर्कर वेंट ऑन स्मूथली एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन। ही वाज अ गुड लीडर who would give order only after consulting his subordinate and work out the policy with the acceptance of the group। सारा का सारा केस यहीं रह गया। आंसर इज डेमोक्रेटिक। बेटा लीडरशिप स्टाइल पूछा हुआ है, डेमोक्रेटिक लीडर की बात चल रही है। डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है बेटा, जो ग्रुप के साथ चलता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग करता है, ग्रुप के लिए पॉलिसी, सब कुछ ग्रुप के लिए। और आपको एक बात और बता देता हूँ, ये बड़े काम की बात है, सुन लो। अगर आप बोर्ड्स में IV लीडरशिप स्टाइल पे केस स्टडी देखोगे ना, अगर 10 आई हैं आज तक, 9 बार आंसर डेमोक्रेटिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास भी हमेशा डेमोक्रेटिक आएगा, लेकिन ध्यान रखना 99.99% केस में बेटा चांसेस डेमोक्रेटिक के होते हैं। पता नहीं क्या बात है, इट इज़ अ बाय चांस। मैंने बहुत नोटिस किया कि हमेशा डेमोक्रेटिक आ जाता है, एक आध बार ऑटोक्रेटिक की बात हुई भी है, एक आध बार, बाकी सारी बात डेमोक्रेटिक की बात हुई है। तो अपना फोकस उसी तरफ रखना थोड़ा सा, ठीक है जी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रहीम वाला ही है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं।
बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई द नीड ऑफ रहीम दैट आर सेटिस्फाइड बाय ऑफरिंग ऑफर ऑफ अ साइकिल कंपनी। बेटा मुझे लाइन कोट करनी है और ये बताना है रहीम की कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई है। आपको याद होगा मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी, 5 तरीके की नीड है बेटा, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कहता है कोई दो नीड सेटिस्फाई हो रखी है वो बतानी है और बी पार्ट ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड ऑफ रहीम फॉलोड बाय अबव दैट आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। बेटा दो बची हुई नीड और बतानी है बेटा जो सेटिस्फाई नहीं हुई, बस दो ही रिक्वायरमेंट है, पढ़ते हैं केस। रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेज बेसिस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हेम टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। His daughter fell ill and he had no money for his daughter's treatment. To meet the expenses of her treatment, he participated in a cycle race and won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job which he happily accepted. Beta, sab kuch ek teen word mein hai. Permanent pensionable job. परमानेंट जॉब दी है बेटा, दैट मीन्स इट इज जॉब सिक्योरिटी भी है, पेंशनेबल जॉब है बेटा यानी कि सोशल सिक्योरिटी भी है। और बेटा जब जॉब है तो ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में ही पे कर रहे होंगे, करंट में भी कुछ ना कुछ पे कर रहे होंगे, यानी कि बेटा आपकी शुरू की दोनों नीड सेटिस्फाई कर रही है कंपनी। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बेटा वो रिलेट किस चीज से करती है कि बस मेरे को इतना मिलता रहे कि मेरी बेसिक चलती रहे, बेसिक रिक्वायरमेंट वही फूड वही शेल्टर वही क्लोथिंग मिलता रहे मेरी फैमिली को। और बेटा सेकेंड वन इज क्या है बेटा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीन तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करता है, इसने दो तरीके की बात की हुई है। परमानेंट जॉब है बेटा, पेंशनेबल जॉब है, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, बाबू बची हुई दो नीड कोई भी दो लिख देना जो आपका मन करे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से। चलो जी बेटा, कहता है अंकुर इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो बेटा, कहता है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट एज अ कम्युनिकेशन बैरियर, एक्सप्लेन थ्री अदर फैक्टर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर बताना है बेटा और उसकी कैटेगरी के बचे हुए तीन और बताने हैं। चलो जी देखो, अंकुर इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हिज सबॉर्डिनेट सौरभ डिस्कस्ड विद हिम अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, but due to some domestic problem Ankur's mind being preoccupied is not in a position to understand the message. ho gaya kaam, lack of attention, yahi word preoccupied word tha beta, aur maine ek example dekar bataya tha ki boss koi file dhoond raha aur file nahi mil rahi aur wo preoccupied hai beta, uska sara dimag file dhoondne mein। agar aap aage ye bhi bataoge na chutti chahiye mere ghar mein itna serious matter hai, use kuch nahi sunai dene wala। कभी बेटा सेम वे में अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता मैसेज की अगर आपकी अटेंशन ना उस चीज के टूवर्ड्स, ठीक है ना। चलो जी बाबू दिल पे मत लेना, ठीक है ना, कहीं और सोचना मत शुरू कर देना। चलो हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, राकेश वाला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट पढ़ो, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट एज अ कम्युनिकेशन बैरियर। और बेटा बोलता है उसके सेम कैटेगरी के तीन कम्युनिकेशन बैरियर और चिपका दें, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट सेम है, राकेश इज वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर नीरज, ही ऑलवेज कम्युनिकेट यूजफुल आइडिया एंड सजेशन टू हिज सुपीरियर रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन एटसेट्रा। नीरज इंप्लीमेंट्स हिज सजेशन एंड हैज फाउंड फेवरेबल रिजल्ट, बट ही नेवर अप्रिशिएट राकेश फॉर हिज सजेशन। Now Rakesh decides not to communicate any suggestion or idea to Neeraj. बेटा काम की बात तो है ही नहीं इसमें कुछ। यही केस मैंने अभी आते ही पहली केस स्टडी भी पढ़ी थी आज, वो ही सेम है बिल्कुल। क्या है बेटा, lack of proper incentive। आप suggestion दे रहे हो, organization को फायदा भी हो रहा है पर आपको appreciation नहीं मिल रहा, तो बेटा कभी suggestion आने ही नहीं वाला आगे से। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आयशा लिमिटेड एक लाइन का केस है, पढ़ते चलो। Aisha Limited assured their employees that in spite of the recession, no worker will be retrenched from their job. Aisha ने बेटा assure किया अपने employee को, चाहे कितनी मंदी आ जाए किसी भी employee की job नहीं जाएगी, हम job से नहीं निकालेंगे। Name and explain the type of incentive offered to the employee. मेरी तरफ देखना बेटा, दो तरीके के हमने incentive पढ़े हैं, financial and non-financial।
और बेटा जब वो कह रही है जॉब नहीं जाएगी, कुछ भी कितनी भी मंदी आ जाए, तो आप जॉब सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो अपने एम्प्लॉई को, अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और बेटा बी पार्ट में आपको क्या बोला जाता है, एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ सेम कैटेगरी। हमने छः छः पढ़े हैं दोनों में बेटा, शायद फाइनेंशियल में तो सात ही पढ़े हैं, तो बेटा नॉन फाइनेंशियल में छः पढ़े हैं, अभी ये नॉन फाइनेंशियल है, कोई पाँच में से एक और लिख देना, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, नेक्स्ट वन, रजत अ सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज सेल्स टारगेट 1 month इन एडवांस, दिस अचीवमेंट वॉज डिस्प्लेड ऑन अ नोटिस बोर्ड एंड अ सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज अवॉर्डेड टू हिम बाय द CEO ऑफ द कंपनी, नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजत, एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बेटा याद आया बात आपको, डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया था इसमें मैंने आपको, आपका सेल्समैन कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, आप क्या करते हो बेटा, उन्होंने तो क्या कर रखा है बेटा, वॉल पर ही लगा रखा है बेटा एक फ्रेम, उसमें फोटो पेस्ट करते हैं, नीचे बेटा सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम लिख देते हैं, सेल्स गुरु, सेल्समैन ऑफ द मंथ, सेल्स गुरु के नाम से लिखता है डोमिनोज बेटा, ठीक है ना। अगर आपका नाम आपकी परफॉर्मेंस की वजह से नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया गया और आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या ये एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव, इट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और बेटा सी पार्ट बोलता है कोई और दो और लिख दो बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो चिपका देना बेटा, क्या हो गया, ठीक है जी। चलो जी बढ़ना आगे बेटा, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड वर्किंग इन अ सूर्या लिमिटेड एज प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर रिस्पेक्टिवली, इन एन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग सोहन इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट अ चेंज इन अ मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन अबव एग्जाम्पल। बेटा कौन सा कम्युनिकेशन है ये, फॉर्मल है, क्यों बेटा फॉर्मल है, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग, दो डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बात चल रही है बेटा। अब ऐसा नहीं है कि ये लंच टाइम पे मिले और उसने बोल दिया कि मार्केटिंग पॉलिसी बदल गई, अगर ऐसा कह देता कि दोनों मैनेजर लंच टाइम में मिले और बोल दिया कि हाँ मार्केटिंग पॉलिसी हमारी बदल गई है, तो बेटा आंसर हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन ये इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो यानी कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके मीटिंग करी आपने और वहाँ डिस्कस कर रहे हो, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्लियर बात। चलो जी बेटा एडिशनल में अभी फर्स्ट नहीं करना, सेकंड यही है, रोशन इज़ अ चीफ शेफ ऑफ खिदमत, यही है ना। चलो जी बेटा यही केस स्टडी कर रहे हैं एडिशनल की, सेकंड, पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन इन अ अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। बेटा डायरेक्टिंग के बहुत सारे एलिमेंट दिखाई देंगे, और जब इसने बोला ना आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट्स, यही एक हिंट होता है बेटा, प्लूरल सेंस ही हिंट है कि बहुत सारे हैं, एक नहीं है। और बी पार्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू पॉइंट हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। बेटा ए पार्ट मेरे को आइडेंटिफिकेशन सिखाना है आपको, और लोग खैर आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो आज की तारीख में डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट, क्या लाइन सुपरविजन होती है, क्या मोटिवेशन, क्या बेटा कम्युनिकेशन, क्या लीडरशिप। चलो एक बार ट्राई आप करो, पहली ट्राई आपकी है बेटा, ये रोशन वाली केस स्टडी आपने खुद से सॉल्व कर ली है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस स्टडी अनुराग वाली होगी, इसे छोड़ दो। फोर्थ केस स्टडी बेटा नीरज वाली है, नीरज हैज बीन वर्किंग एज अ स्विंग मशीन ऑपरेटर इन एन एक्सपोर्ट हाउस, यही है बेटा केस। बाबू ट्राई फैली आप ही की है इसमें भी, एक बार रीड करना रिक्वायरमेंट, जिन्होंने स्टाफिंग पढ़ा है वो ए पार्ट भी कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा स्टाफिंग उनसे ए पार्ट नहीं होगा, वो बी पार्ट कर पाएंगे, ठीक है जी, ट्राई करो बेटा। बेटा केस पढ़ा आपने पूरा, एक बार मैं बहुत जल्दी से पढ़ दूं। बेटा मेरे को ए पार्ट में सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसकी दो एडवांटेज बतानी है, और बी पार्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर टू नीरज बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। बेटा लाइन कोट करके ये बताना है कौन से दो फाइनेंशियल इंसेंटिव उसको मिले हुए हैं, ठीक है जी। एक काम करते हैं बेटा, मैंने सिर्फ लास्ट की तीन लाइन पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे बहुत क्लैरिटी है। कॉन्सिक्वेंटली नीरज इज असाइंड द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली, नीरज को सुपरवाइजर बना दिया गया, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई, पे एंड अलाइंसेस।
पहला ही फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोर ओवर एज पर द पॉलिसी ऑफ द एक्सपोर्ट हाउस हेज ऑफर्ड फ्री मेडिकल एड एंड एजुकेशन टू हिज टू चिल्ड्रेन। बेटा परक्यूजेट्स, ठीक है ना, परक्यूजेट्स बेटा प्यार से हम इन्हें एक्स्ट्रा पर्क्स भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कुछ लोग तो बोलते ही पर्क्स हैं बेटा, ठीक है ना, आपकी एक चॉकलेट आती है ना पर्क्स, पर्क्स का मतलब ही बेनिफिट होता है। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 24 है मेरे हिसाब से, बाबू एडिशनल क्वेश्चन में 5 केस स्टडी। आफ्टर कंप्लीटिंग इज बैचलर इन कंप्यूटर साइंस अभिजीत, यही केस स्टडी है ना बेटा, यही केस स्टडी है ना, फटाफट से ए रिक्वायरमेंट पढ़ना, एलिमेंट बताना है डायरेक्टिंग का, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट, यानी कि सिंगुलर सेंस, यानी कि एक ही है बेटा, रीड आप कर रहे हो, फिनिश करो बेटा, सिंपल सी केस स्टडी कर लिया आपने सॉल्व, मोटिवेशन है आंसर। अतुल्य लिमिटेड नेक्स्ट केस अभी नहीं करना, उससे नेक्स्ट है बेटा सुनिधि हैज बीन स्टार्टेड एज डिजाइनर स्टूडियो, ठीक है बेटा फटाफट से फिनिश करो, आप ही कर रहे हो, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया थी, मुझे तो हंसी आ गई ना, तो लाइन कोट करने को इसने कहा, नेम एंड एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव पैरा, तो भाई दो ही तरीके के कम्युनिकेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल, केस खत्म। चलो जी नेक्स्ट वन, गगन हैज ज्वाइंड एज द MD ऑफ ट्रू हेल्प लिमिटेड, बेटा केस मैं कराता हूँ ये, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय ट्रू हेल्प लिमिटेड टू फिल अप द पोस्ट ऑफ MD। बेटा एक तो मुझे बताना है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है, फॉर्मल है या सॉरी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और बी पार्ट मुझे बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर टू गगन, ठीक है कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है। कहता है गगन हैज ज्वाइंड एज द MD ऑफ ट्रू हेल्प लिमिटेड अ कंपनी एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रोड साइड असिस्टेंस टू द व्हीकल ओनर, ही वॉज प्रीवियसली वर्किंग इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, एज अ पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग इंसेंटिव द कंपनी हैज अलॉटेड हिम 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। लो जी हो गया सारा कुछ काम। बेटा देखो अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, 4 लाइनों में इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि गगन पहले किसी और ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, आज उसने इस कंपनी को ज्वाइन करा और ज्वाइनिंग इंसेंटिव के तौर पे 400 शेयर मिले। तो पहले आप किसी और कंपनी में काम करते थे, आज हमारी कंपनी में आयो, यानी कि आप रिक्रूटमेंट आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हुई है। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो बेटा इंटरनल होता, और बेटा आपको ज्वाइनिंग इंसेंटिव क्या मिला, 400 शेयर मिले हैं बेटा, याद है इसोप, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपकी ट्रेनिंग पे करोड़ों रुपए फूकती है, और आपकी ट्रेनिंग पे अगर उन्होंने लाखों करोड़ों फूके हैं बेटा तो आपसे निकलवाएंगे तो है ही, तो आपको छोड़ने नहीं दी जाती ऑर्गेनाइजेशन, और उस ना छोड़ने के लिए एक लालच दिया जाता है जिसको मैं को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन बोलता हूँ। अच्छा इसमें एक वर्ड आया रोड साइड असिस्टेंस RSA, पता है किसी को क्या होता है, क्या होता है भाई, तेरे को तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, रोड साइड असिस्टेंस इसमें एक वर्ड आया यार, तुम बड़े कमाल आदमी हो यार, इतना इतनी चीज, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, Hyundai का भी RSA चलता है आज की तारीख में, रॉयल एनफील्ड हर कंपनी में RSA है। आप क्या करते हो जिस दिन व्हीकल लेने जाते हो वो कहते हैं RSA सर्विसेज लेनी है आपको, RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस सर्विसेज, कि आप साल भर का हमें 1500 रुपये दो, आपकी गाड़ी में कहीं प्रॉब्लम आ जाए किसी हाईवे पे हो, आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, हम वहीं मिलेंगे आपको, वहीं ठीक करेंगे गाड़ी, ये RSA होता है बेटा। चलो खैर, और ये बात कम से कम अब 4 से 5 साल पुरानी है, 4 से 5 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब बिल्कुल पुरानी बातें। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट केस स्टडी आ रही है, यश हैज सेट अप अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बेटा रिक्वायरमेंट है स्टाइल ऑफ लीडरशिप पूछा हुआ है आपसे, और बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछा हुआ है, आराम से रीड करो और आपको एक बार में केस समझ में आ जाएगा, आप ही पढ़ रहे हो बेटा, केस मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं। यश हैज सेट अप अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मेकिंग डिफरेंट वराइटीज ऑफ लो कॉस्ट डिटर्जेंट, इन ऑर्डर टू मार्केट हिज प्रोडक्ट ही हैज एम्प्लॉयड अ टीम ऑफ 5 सेल्समैन, ईच सेल्समैन हैज बीन असाइंड स्पेसिफिक एरियाज इन अ सिटी
ही होल्ड अ मीटिंग एवरी मंथ फॉर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव टू अचीव ड्यूरिंग द कमिंग मंथ. अ सेल्स टारगेट इज प्री डिटरमाइंड फॉर ईच मंथ विच इज म्यूचुअली एग्रीड बाय द यस एंड हिज सेल्स टीम. यहीं पर आ गया लीडरशिप स्टाइल. कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेटा? डेमोक्रेटिक. जब ग्रुप मिलकर डिसाइड कर रहा है कि अगले महीने हमें कितनी सेल्स करनी है बेटा. और जब भी मैं बोलता हूँ बेटा ग्रुप डिसाइड करेगा, हमेशा एक आंसर है बेटा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर. कहता है इफ द सेल्समैन सक्सीड इन रीचिंग दिस टारगेट अ बोनस इज पेड आउट टू ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विद द मंथली सैलरी. बेटा खैर ये तो काम की बात नहीं है. बी पार्ट में मुझसे पूछा था कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है बेटा. एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. मेरी तरफ देखना बेटा. देखो एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन का खाली मतलब ये नहीं होता बेटा कि आपने किसी ना किसी कमेटी का मेंबर बना दिया. वहां तो बात यही थी ना कि परचेज कमेटी, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बना दिया. कहीं ना कहीं आपको ऑनरशिप वाली फील आए. क्यों बेटा? आपको क्या करता है, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना दिया 20-50 एम्प्लॉई को. उन 20-50 एम्प्लॉई में से बेटा 10 को तो डेजिग्नेशन ही दे दिया उस कमेटी के कि आप इस कमेटी के प्रेसिडेंट हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप चेयरमैन हो, इस कमेटी से रिलेटेड सारे डिसीजन आप लोगे. आपको ना फील दी जाती है, फील ऑफ ऑनरशिप, कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हो. तो बेटा देखो अगर डिसीजन मेकिंग करने का मौका मिल रहा है चाहे कमेटी के बिना मिल रहा है, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. सेल्स टारगेट आप डिसाइड कर रहे हो, सेल्स टीम भी डिसाइड कर रही है अपने लीडर के साथ मिलकर. तो आपको क्योंकि डिसीजन मेकिंग का मौका मिल रहा है, इट इज एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांक वाला है बेटा, ठीक है ना. एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ना फटाफट से. डिफाइन द टर्म मोटिवेशन. बेटा मोटिवेशन डिफाइन करना है सिंपल बात, ये तो कोई केस से लेना देना ही नहीं है. वट आर द मेजर यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉई टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस नोन एज, गिव इट्स क्लासिफिकेशन. बेटा उन्हें हम क्या बोलते हैं? कहता है वट आर द मेजर यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉई टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस नोन एज, गिव इट्स क्लासिफिकेशन. चाहे आप मोटिवेटर बोल लो चाहे इंसेंटिव. कहता है एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए जिन चीज़ों का, जिन मेजर का आप इस्तेमाल करते हो उन्हें क्या बोलते हैं और उनका क्लासिफिकेशन भी बता दो. बेटा उन्हें हम मोटिवेटर बोलते थे. टेक्निक यूज टू मोटिवेट और सेटिस्फाई द एम्प्लॉईज नोन एज मोटिवेटर. या आप इंसेंटिव भी बोल सकते हो. और बेटा हमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन देना है. हमारे कोर्स में दो है बेटा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. और बेटा यानी कि ए और बी पार्ट तो केस से कुछ है ही नहीं. सी पार्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बींग ऑफर्ड टू प्रियांक. फटाफट से आप सजेशन दो बेटा क्या आंसर होना चाहिए. पढ़ना. चलो जी बेटा देखो सेकेंड लाइन से पढ़ना शुरू करो. सब कुछ है बेटा लाइन में. ही फील्स हाईली मोटिवेटेड एट हिज जॉब बिकॉज द वर्क इज असाइंड टू हिम फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व वराइटी ऑफ चैलेंजेस. ही इज गिवन मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेटा मैंने ये बात आपको बताई थी जब अपने स्टाफ का एग्जाम्पल दिया था कि उनको मैंने रखा तो नोट्स टाइपिंग के लिए था, लेकिन बेटा वो बहुत बोर हो गए थे, ठीक है ना. और वो चाहते थे बेटा कि हमारे को कुछ नया काम सिखा जाए, तो मैंने उनको GST सिखाया. बेटा देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉई खाली बैठ के भी सैलरी नहीं ले सकता, ठीक है ना. उसको क्या चाहिए कि उसकी जॉब में बेटा थोड़ा एनरिचमेंट हो. उसको क्या दिया जाए बेटा, नई नई चीज़ें सिखाई जाएँ जॉब में बेटा, ठीक है ना. उसको ऑटोनॉमी दी जाए, उसको फ्रीडम दी जाए, डिसीजन मेकिंग दी जाए, ज़्यादा पावर मिले, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले. ये सब चाहता होता है एम्प्लॉई बेटा. इसे ही तो जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं. चलो जी आगे बढ़ना बेटा. नेक्स्ट केस स्टडी गूगल INC वाली है. ये हमें नहीं करना. वैसे बता देता हूँ लिखा हुआ है ना गूगल INC डॉट. आपको बताता हूँ एक बात बेटा बहुत आराम से समझना. जैसे इंडिया में कोई कंपनी होती है हम वर्ड लगाते हैं LTD डॉट या PVT LTD डॉट. या ये तो डिनोट करती है कि आप प्राइवेट कंपनी हो, ये डिनोट करती है कि आप पब्लिक कंपनी हो. अमेरिका में रूल है वो LTD नहीं लगवाते, वो INC लगाते हैं. INC इनकॉर्पोरेशन वर्ड से बना है, ठीक है ना. गूगल INC डॉट यानी कि गूगल एक कंपनी है जो USA में रजिस्टर्ड है. चलो खैर बेटा नेक्स्ट केस है निखिल रन्स अ स्मॉल ढाबा ऑन जयपुर हाईवे. सक्षम कर लेना, इसका नाम काट के गलत है. अच्छा
बेटा ए रिक्वायरमेंट नेम एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड बाय निखिल. बी पार्ट आइडेंटिफाई द वेरियस ह्यूमन नीड ऑफ द वर्कर दैट आर बीइंग ओवरलुक्ड बाय द निखिल एज पर द मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. और सी पार्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएटेड बाय निखिल ड्यू टू विच इट्स वर्कर सप्रेस देयर नीड टू कम्युनिकेट विद हिम. बेटा केस बहुत कमाल का है, बहुत छोटा सा है लेकिन केस है बहुत कमाल का. चलो एक बार मैं पढ़ता हूँ. आइडेंटिफिकेशन आपके जिम्मे छोड़ा बेटा. दो कम्युनिकेशन बैरियर मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी में से दो बेटा नीड ओवरलुक करी है निखिल ने. और बेटा लीडरशिप स्टाइल कहता है निखिल रन अ स्मॉल ढाबा ऑन अ जयपुर हाईवे. ही इज वेरी रिजिड एंड फॉलो अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट लाइक कटिंग द सैलरी स्टॉप इंक्रीमेंट और गिविंग जॉब टर्मिनेशन थ्रेट टू हिज वर्कर फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन देयर वर्क. ही डज नॉट सीक एक्टिव और सॉरी ही डज नॉट सीक एडवाइस और ओपिनियन फ्रॉम हिज वर्कर एज ही डज नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन द कम्पिटेंस ऑफ हिज वर्कर. काम की लाइन ऑल्सो द वर्कर आर नॉट विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन एज दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी एक्सपेक्ट एनी मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव. एज अ रिजल्ट द लेबर टर्न ओवर इज हाई एंड हिज बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड. बेटा कौन से दो बैरियर है? सबसे पहले बैरियर ही बताओ. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. काम की हैं यही दोनों लाइनें बेटा. बाबू दोबारा पढ़ लो ये दोनों लाइनें. ही डज नॉट सीक एडवाइस और ओपिनियन फ्रॉम हिज वर्कर एज ही डज नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन द कम्पिटेंस ऑफ हिज वर्कर. पहली लाइन तो ये बेटा. दूसरी लाइन इसी के बराबर वाली. ऑल्सो द वर्कर आर नॉट विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन as they do not expect any motivation or incentive for taking such initiative. ठीक है जी बेटा. अब बात आती है कौन सा लीडरशिप स्टाइल है. कहता है वो एम्प्लॉय पे बिलीव नहीं करता, उनकी कैपेबिलिटी पे बिलीव नहीं करता, उनसे कोई बात नहीं करता, सब कुछ अकेले. ऐसा लीडर कौन सा होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर. इट इज जस्ट लाइक अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कि सब कुछ मैं चलाऊंगा, मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से. और बेटा बी पार्ट कौन सी बेटा नीड को ओवरलुक कर दिया निखिल ने. बेटा देखो कहता है पनिशमेंट के तौर पर उसे कैसे कैसे थ्रेट दिए जाते हैं कि अगर आपने ये काम ना करा आपकी सैलरी काट दी जाएगी, आपको ये इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, आपकी जॉब छीन लेंगे हम. तो बेटा कहीं ना कहीं आप बेसिक फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड दोनों ही ओवरलुक कर रहे हो. उसे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उसे तो निकालने की धमकियां दे रहे हो और उसकी सैलरी काट रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी नहीं हो रही दे रहे उसकी. ठीक है ना जी. चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा. बाबू आफ्टर परस्यूइंग अ कोर्स इन जेमोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. यही है केस. रिक्वायरमेंट डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन. हो जाएगा बेटा, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है. बी पार्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर बींग रेफर टू इन द अबव पैरा. और सी पार्ट सजेस्ट एनी फोर मेजर बाय विच ही कैन इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. ये तो हमारे पास डायरेक्ट टॉपिक है बेटा, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. तो कोई चार मेजर बता देना वहाँ से. बस बी पार्ट मेरे को देखना है कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है. पढ़ना फटाफट से बेटा. टाइप मतलब स्पेसिफिक नहीं आइडेंटिफाई करना, सिमेंटिक साइकोलॉजिकल पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल. टाइप पूछा आपसे, फटाफट से आप पढ़ रहे हैं बेटा. नेक्स्ट केस है श्री महिला गृह उद्योग. ये वाला नहीं कर रहे हम, इससे नेक्स्ट वन पढ़ रहे हैं. जैक वेल्च वाजा चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक. बेटा ये सिंपल केस है लेकिन आराम से पढ़ना. ठीक है आप पढ़ रहे हो और फिनिश कर रहे हैं बेटा. बेटा बोलता है जैक वेल्च वाज चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक बिटवीन द ईयर 1981 एंड 2000. 20 साल कोई पर्सन किसी कंपनी का चेयरमैन और सीईओ रहा है. कहता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट द जीई द कंपनीज वैल्यू रोज 4000%. कहता है उसके 20 साल के टेन्योर में कंपनी की वैल्यू 4000% बढ़ी, यानी कि 40 गुना. यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अगर जब वो आया 1981 में अगर उसके शेयर का दाम 100 रुपये था तो वो 4000 हो गया, इतनी वैल्यू बढ़ी.
कहता है व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द जीई, जी मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम का शॉर्टकट बना दिया इन्होंने, ऊपर लिखा हुआ था ना वो जी जनरल इलेक्ट्रिक का बेटा चेयरमैन है, बार बार जो जीई बोल रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक को बोल रहा है। व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम जीई ही रिसीव्ड अ सर्वेंस पेमेंट ऑफ $417 million। बेटा रिटायरमेंट में पैसा कितना मिल रहा है? $417 million, द लार्जेस्ट। बेटा किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए, ताकि वह जिंदगी में सर्वाइव कर ले। मुझे तो लगता है दो रोटी खानी होती है 60 साल के बाद बंदे को, ये क्या दे रहे उसको। द लार्जेस्ट सच पेमेंट इन द हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री है बेटा, ऐसा कभी किसी को नहीं मिला इतनी पेमेंट। ही वंस रिमार्क, अब बेटा ये बड़े काम की बात है, कहता है एक बार उसने बोला था If you pick the right people and give them the opportunity to spread their wings and put compensation as a career behind it, you almost don't have to manage them. कहता है उसने एक बार बोला था कि अगर आप सही person choose करते हो और बेटा ये काम की line and give them the opportunity to spread their wings, उनको बेटा खुल के काम करने देते हो और बेटा career उनको लालच भी दे देते हो बेटा कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, कभी रिटायरमेंट होती है आपकी, ठीक है ना, आपको आपका करियर बनाने के लिए भी हम कंपनसेशन देंगे, तो आपको उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। यानी कि कोई लीडर ही नहीं चाहिए ऊपर, आपको उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लीडर नहीं चाहिए। एक तो बेटा इन चार वर्ड में से जो उसने चार बातें बोली हैं, चार में से दो बड़े काम की बात है। एक तो ये देखो, गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स, और लास्ट लाइन You almost don't have to manage them. आपको पता है बेटा लाइजीज फेयर लीडर क्या होता है? फ्री रेन लीडर क्या होता है बेटा? जो बेटा अपनी पावर का यूज नहीं करता, अपने किसी सबॉर्डिनेट को मैनेज ही नहीं करता, ही इज ओनली अ कॉन्टेक्ट पर्सन। उसका काम होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज दिलवा देगा आपको, सारे डिसीजन खुद लो सब कुछ, यही तो सारी बात है उसने बोली बेटा, कि आपको मैनेज करने की ही जरूरत नहीं है, एक बात। और वो कह रहा है एम्प्लॉई को इतनी अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने विंग्स खुद फैला सके, यानी कि खुद से सारे डिसीजन मेकिंग कर सके। चलो जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, कल आप चैप्टर 9 के नोट्स ला रहे हो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। बाय बाय।